अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, आपको बताया जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची जारी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई है। रायपुर पश्चिम से राजेश मूडत के नाम की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा के नाम की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची जारी। वहीं रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू के नाम की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आरंग से गुरु खुशवंत सिंह के नाम की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुरुद से अजय चंद्राकर प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की घोषणा की गई है। कुरुद से अजय चंद्राकर के नाम की घोषणा की गई है। धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू के नाम की घोषणा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दे, रायगढ़ से ओपी चौधरी प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की घोषणा की गई है। रायगढ़ से ओपी चौधरी के नाम की घोषणा हुई है। आपको बता दें, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे के नाम की घोषणा हुई है। आपको बता दें, हमारे संवाददाता अमित शर्मा इस वक्त पूर्व मंत्री राजेश मूडत के घर के बाहर है। आपको सीधा लिए चलते हैं राजेश मूडत के बंगले के बाहर। हमारे संवाददाता अमित शर्मा है, आपको सीधे लिए चलते हैं। जी अमित। जी सिमरन, इस समय हम पूर्व मंत्री राजेश मूडत के बंगले के भीतर हैं और हमारे साथ खुद पूर्व मंत्री राजेश मूडत मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत उम्मीद थी कि इस बार भी नाम आएगा। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लगातार सेवा करना, पार्टी के लिए काम करना मेरा उद्देश्य। पार्टी ने जिम्मेदारी जवाबदारी दी, वापस पुनः फील्ड मैदान में उतरेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में। इस कुशासन से मुक्ति मिले छत्तीसगढ़ को, यही संकल्प हम सबका है और उसी के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत बार आपको मौका मिला जनता के द्वारा और आपने लगातार काम भी किया है, लेकिन इस बार भी आप एक बार फिर से टिकट के दौड़ में, तो नाम उतना लगातार आपका नहीं था लेकिन सक्रियता आपकी बनी हुई थी लगातार। क्या लगता है पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में कितना विकास इस विधानसभा क्षेत्र का हो पाया? राज जाने की जनता पूरी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। जिस उत्साह उमंग के साथ में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2/3 सरकार बनी, राजधानी का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ साहब, गली मोहल्ले की बात तो दूर। इस 5 साल में एक काम ऐसा नहीं है माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस रायपुर शहर का हमने भूमि पूजन किया हो उसका लोकार्पण किया, कोई काम नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और जब राजधानी उनकी प्रायोरिटी में नहीं है तो गली मोहल्ला कहां प्रायोरिटी होगी। सिर्फ एक चीज हुआ इस रायपुर शहर के अंदर, जो बीजेपी के कार्यकाल में जितने काम किए गए थे उन सब हुआ, उसी का प्रदर्शन आज शहर में देखने को मिल रहा है। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को, मैं पिछले दिनों दूरबीन लेके निकला था, वो 36,000 करोड़ का काम कहां हुआ जरा बता दे कोई कांग्रेस पार्टी का नेता, कोई काम बताने की स्थिति नहीं। इसलिए हमारा विजन समग्र विकास, क्षेत्र का विकास, जनता का विकास, विचारधाराओं में एक ही धारा है, छत्तीसगढ़ की ओर लेकर के जाना। ये छत्तीसगढ़ राज्य आपका अपना राज्य, खुशहाल राज्य, प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए हम सब आगे बढ़े और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ये पौने 5 साल देख लिए सरकार के,
कांच की हांडी एक बार चढ़ती है साहेब, बार बार नहीं चढ़ती। पिछले सप्ताह आप दूरबीन लेकर निकले थे, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, विकास ढूंढा आपने, नहीं मिला। लेकिन जो वर्तमान विधायक है उनका कहना है कि विकास तो जनता को दिख रहा है लेकिन बीजेपी की आंखों पर पर्दा है। चले अपन भी एक मंच में आपके हो जाए, जरा कहां क्या हुआ जरा देख ले। आप भी इसी शहर के नागरिक हैं, भारतीय नहीं, जनता देखती क्या क्या। कोई ऐसा होगा तो उसका फोटोग्राफ भी होगा मेरे भाई, कोई काम किया होगा तो जनता अपने फेसबुक में जरूर डालती है। कहीं ना कहीं अपन पब्लिसिटी लेने के लिए गली मोहल्ले के काम करने से, ये तो नगर निगम का पार्षद करता है साहब, गली मोहल्ले में काम कराता है, उन सबका काम है। आपको विधानसभा में भेजा है, राजधानी के अनुरूप कोई काम हो तो बताओ ना। आप कोई नया गार्डन बना दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई